अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। सार परीक्षा इन्वेस्टिगेशन फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ सिस्टम विमान स्थानम चरक संहिता। मैं सार के द्वारा बल का प्रमाण जानने के लिए 8 प्रकार की परीक्षा अलग अलग बताऊंगा। त्वचा सार, रक्त सार, मांसा सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, वीर्य सार, सत्व सार। इससे ठीक ठीक प्रत्येक पुरुष की परीक्षा होगी। त्वचा सार पुरुष, त्वचा सार पुरुष की स्किन चिकनी कोमल देखने में प्रसन्न सूक्ष्म अर्थात पतली गहरी सुकुमार सुकुमार कमाई जैसी जिसे कमाई वाले बालक होते हैं रोम वाली और चमकदार होती है। इस प्रकार का सार होना सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रसन्नता और दीर्घायु का सूचक है। अर्थात जिस पुरुष में ये गुण है उसके अंदर ये सब चीजें मिलनी मिलनी है। रक्तसार, रक्तसार पुरुष के कान नेत्र मुख जीभ नासिका होठ हाथ और पैर के तलवे नक और माथा मुत्रेंद्री ये रक्त वर्ण की लालिमा युक्त होती है, चमकने वाली होती हैं। इस प्रकार का सुख होना उद्दड़ता धारणा शक्ति मानसिकता सुकुमारता अधिक ताकतवर कष्ट सहने की और गर्मी को न सहन करने की योग्यता का सूचक है। मांसार, मांसार पुरुष में शंख प्रदेश माथा गर्दन आंख गाल ठुड्डी कंधा पेट काख छाती हाथ पैर ज्वाइंट सारे स्थिर और मांस से भरे हुए दृढ़ होते हैं। इस प्रकार का मांसार मांसार लक्षण सहनशीलता धीरता लालची न होना धन विद्या सुख सरलता आरोग्य बल और दीर्घायु का सूचक है। मेदासार, मेदासार पुरुष के लक्षण मेदासार पुरुष के आंख बाल स्वर आवाज रोम नाक दांत होठ मूत्र मल में चिकनापन बहुत मिलता है। इस प्रकार का सार धन, इस प्रकार का व्यक्ति धन ऐश्वर्य सुख उपभोग दानशीलता सरलता कोमलता और सेवा भाव का सूचक है। अस्थिसार, अस्थिसार वाले लक्षण अस्थिसार वाले पुरुष में एड्डी और भाई हसली सिर की गांठ अस्थियां नाखून दांत मोटे होते हैं। इस प्रकार के पुरुष में उत्साह अधिक होता है अधिक कार्य करने वाला होता है कष्ट को सहन करने वाला होता है दृढ़ शरीर वाला होता है और अधिक आयु वाला होता है। मज्जासार पुरुष के सार, मज्जासार पुरुष के अंग पतले होते हैं बलवान होते हैं उनके शरीर में वरण और स्वर चिकने अर्थात कोमल होते हैं उनके शरीर की सारी ज्वाइंट लंबी और गोलाकार होती है। इस प्रकार का मज्जासार पुरुष दीर्घायु बलवान धनी संपन्न संतान युक्त और आदर के पात्र होते हैं। इनकी आंखें बड़े बड़े होती है ये महर्षि सुश्रुत ने कहा। शुक्रसार पुरुष के लक्षण शुक्रसार पुरुष कोमल प्रकृति वाला सौम्य दृष्टि कोमल दृष्टि वाला उसके आंखें जो है दूध से भरे हुए बर्तन की तरह सफेद और दया से भरे हुए प्रतीत होते हैं। सदा प्रसन्न मन वाला होता है उसके दांत चिकने गोलाकार दृढ़ समान आकार के ठोस इतने आपस में मिले रहते हैं कि छेक नहीं दिखाई देता। दांत के भाग भी अगले हिस्से भी बराबर मोटे होते हैं। उसका शरीर का वर्ण यानी कि रंग और स्वर सुनने में निर्मल और चिकने होते हैं। उसके शरीर में चमकीलापन होता है हिप बड़े बड़े होते हैं। इस प्रकार का सुखसार पुरुष स्त्रियों को बहुत प्रिय होता है या वे स्त्रियों को चाहते भी हैं अधिक।
उन्हें संसारिक सभी आवश्यक वस्तु भोग के लिए प्रिय होती है और बलवान होते हैं। सुख ऐश्वर्य आरोग्य धन आदर और अधिक संतान के पात्र होते हैं, अर्थात शुक्रसार पुरुष सुखी होता है, स्वस्थ होता है, धनी होता है, संतान युक्त ऐसा बना गया। सत्तुसार, सत्सार वाले पुरुष की मेमोरी अच्छी होती है, भक्ति वाला होता है, बुद्धिमान होता है, पवित्र होता है, अधिक उत्साह वाला होता है, चतुर और धीर होता है, लड़ाई में पराक्रम पूर्वक युद्ध करने वाला होता है, शरीर के विषाद में बिल्कुल नहीं होता, उसके शरीर में विषाद नहीं होता, उसकी गतियां स्थिर होती हैं, बुद्धि और चेष्टाएं गंभीर होती है, निरंतर कल्याण करने वाला, विषय में अपने मन और बुद्धि को लगाए रखता है, उस संसार पुरुष के गुण है। इस लक्षण के अनुसार जो जो लक्षण बताए वो संसार पुरुष के हैं। अब मैंने आठों आपको लक्षण बता दिए हैं, अब इन परीक्षा का परिणाम, इन सब सारों में संपन्न पुरुष अधिक बलवान, अधिक गौरव संपन्न, कलेश को सहने वाला, सभी कार्यों में अपनी आत्मा पर विश्वास रखने वाला, निरंतर कल्याणकारी कार्यों में मन और बुद्धि को लगाने वाला, स्थिर और संगठित शरीर वाला, चलते समय अपनी गति को ठीक रखने वाला और उसका स्वर प्रतिध्वनि युक्त चिकना गंभीर और महान होता है, वो सुख, ऐसा व्यक्ति सुख ऐश्वर्य धन उपभोग और आदर का पात्र होता है। उन्हें बहुत जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, उन्हें रोग कम आते हैं, प्राय उन्हीं के गुणयुक्त अर्थात समान गुण वाले अधिक संतान उन्हें प्राप्त होती है और आयु भी अधिक होती है। और मैंने जो आपको सार बताए, लक्षण दिए, इन सारों से कोई कोई भी सार जिन जिन व्यक्तियों में मिलेगा, इसी के विपरीत उल्टे वाले मनुष्य भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, मैंने जो जो आपको गुण बताए वो इनके मध्यसार, इनसे कुछ कुछ मिलते जुलते हो जाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको आठ प्रकार के सार पुरुष के बल का प्रमाण का विशेष उपदेश दिया। ये मैंने जो बताया विमान स्थानम चरक संहिता के अनुसार बताया, इसका उद्देश्य वैद्य अपने रोगी को देख के उसका उपचार करें। शरीर मात्र के देखने से वैद्य समुदाय किसी प्रकार से मोह को प्राप्त न हो जाए, अर्थात रोगी का शरीर मांस से भरा हुआ, दृढ़ है इसलिए बलवान होगा, इस रोगी का शरीर पतला है इसलिए दुर्बल होगा, इस रोगी का शरीर बहुत बड़ा है इसलिए बहुत बलवान होगा, इस रोगी का शरीर बहुत छोटा है इसलिए बहुत कम बल वाला होगा। इस प्रकार ये सार देख के वैद्य विचार करे, क्योंकि छोटे और पतले शरीर होने में भी बलवान होता है व्यक्ति। चींटी का भार ढोने की प्रमाण इसका उदाहरण है, जैसे छोटी चींटी और पतले शरीर का होते हुए भी अनेक गुण कुछ मनुष्य मिलते हैं, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति दुर्बल है, छोटा शरीर है, लेकिन उसमें अधिक बल मिलेगा, कुछ व्यक्ति मोटे हैं, बड़ा शरीर है, फिर भी उनके अंदर बल नहीं है। इस प्रकार वैद्य को ये मनुष्य के बल की परीक्षा करके उसका उपचार करना चाहिए। मैदाजी स्थालान ब्रह्मचारी गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। ओ